आज हम सीखेंगे कि कैसे पुली ब्लॉक के प्रॉब्लम्स को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 सेकंड। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर नीट के अंदर जेई के अंदर आपको दिखाई देंगे कि सवाल यहां पर एक पुली है, यहां पर एक पुली है, ये पुली यहां से कनेक्टेड और इस पुली के नीचे यहां पर दो अलग अलग ब्लॉक है। ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका आपको वेलोसिटी पूछा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि P1 ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। सिंपल ट्रिक, हमेशा याद रखिए जहां भी पुली देखिए वहां पर पुली का फॉर्मूला लगाइए VP = VA + VB/2। समझाता हूं क्या है। जैसे अगर मैं यहां पर पुली देख रहा हूं तो मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा कि वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है 4, मैंने मान लिया कि 4 ऊपर की तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन है तो 4 = अब इसके साइड में जो ब्लॉक है उनकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। साइड में तो बच्चा ये फिक्स है यानी ये 0 हो गया। अच्छा ये वाला पुली हमें नहीं पता कितने से जा रहा है तो मैं यहां पर P2 लिख देता हूं। P2 मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी P2 मुझे मिल गया 8 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये भी प्लस आया, मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस माना था, ये 8 आ रहा है, इसका मतलब कि ये सिस्टम कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। अब एक बार मुझे वापस पुली दिख रहा है, मैं फिर से पुली वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं, वेलोसिटी पुली कितनी है 8 एंड देन साइड में बच्चा पार्टी, इसका वेलोसिटी हमें नहीं पता, वी कर दिया एंड इसका बच्चा पार्टी, प्लस मत लीजिए क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको माइनस लेना है, यानी यहां पर हो जाएगा V - 2/2, V = 18 मीटर पर सेकंड। दिस इज डन, दैट इज योर फाइनल आंसर। एंड एट द सेम टाइम ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सिस्टम कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज डन, अमेजिंग लगा ना बच्चों, तो कमेंट करके जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।